Hello everyone, welcome again on YouTube channel Taming Physics. आज हम लोग बच्चे न्यूमेरिकल करेंगे किस रिलेशन पे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. लास्ट टर्म हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल करा था e cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर पे किया था. अब उसका जो दूसरा फॉर्म है जिसको इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर पे न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं. कॉम्पिटिशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे जो भी न्यूमेरिकल फाइव टाइप्स के बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, सो ई इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन यानी 0,0 इज 500 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट 6,7 यानी 6 मीटर, 7 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा ये हमको निकालना है. अब फॉर्मूला देखें तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर यानी ई डी आर कॉस थीटा या ई डॉट डी आर लिख दे. अब ई को हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस 20 आई कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां पे हम समझाते हैं वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. यहां पे z कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. डी जेड के कैप लिख लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो माइनस आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 20 डी एक्स, दूसरा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो हो गया. सो डीवी के लिए ये आ गया भाई एक्सप्रेशन. अब हमको निकालना है यहां पे इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहां पे देखिए बेटा, तो जो वी है केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो वाई कोऑर्डिनेट 7 दिया इसका कोई मतलब नहीं है. हमको कहां पे निकालना, 6 पे, और दिया कहां पे, 0 पे. तो जीरो पे पोटेंशियल दिया हुआ है 500 वोल्ट और हमको निकालना 6 मीटर के ऊपर पोटेंशियल v सपोज कर ले. अब इंटीग्रेट कर ले तो ये हो गया v माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस 20x भाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया लिमिट 0 टू 6. तो इस लिमिट को पुट कर दे तो माइनस 120 आ गया. सो वी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 500 माइनस 120. सो ये हो गया 100 घटा दिया 400 माइनस 20 380 वोल्ट. सो दिस विल बी आंसर.
सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर टू. अगेन हम यूनिफॉर्म फील्ड ही ले रहे हैं, लेकिन दो डायरेक्शन में ले रहे हैं. ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन हो तब क्या होगा, और तीनों डायरेक्शन में हो तो उस केस में क्या होगा. तो हम दो डायरेक्शन का दे रहे हैं बेटा, तीनों डायरेक्शन में अगर होगा तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 30 I कैप माइनस 40 J कैप वोल्ट पर मीटर. नाउ राइट ऑन फर्दर, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 500 वोल्ट at 2 meter comma 5 meter, find electric potential at origin. तो इस बार थोड़ा सा उल्टा हमने दे दिया, ओरिजिन पे निकालना है. पिछले क्वेश्चन में ओरिजिन पे दिया था, दूसरे पॉइंट पे पूछा था. कैसे करेंगे, डीआर ऐसे लिखना, ये ध्यान रखना. तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे भाई, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर. अब ई लिख दे बेटा, तो माइनस 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप डॉट डी आर. ये क्या लिखेंगे भाई, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो इसको लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, पिछले वाले में नहीं लिखा था, इस बार लिख देते हैं. वो हम दिखा रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका. इज इक्वल टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बेटा, तो आई का आई के साथ होगा माइनस 30 डीएक्स, और जे का जे के साथ होगा. तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना भाई, तो प्लस 40 डीवाई, ये हो गया डीवी. अब इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा. हमको दिया 2 मीटर कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 5 पे पोटेंशियल कितना दिया है, 500 वोल्ट. और हमको निकालना 0,0, यानी अपर लिमिट 0 एक्स कोऑर्डिनेट, अपर लिमिट 0 वाई कोऑर्डिनेट. इसको हम वी सपोज कर ले, इंटीग्रेशन हो गया v माइनस 500 इज इक्वल टू. सो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 30x लिमिट 2 टू 0, देन प्लस ये हो गया 40y लिमिट 5 टू 0. आगे सॉल्व करते हैं, तो v माइनस 500 इज इक्वल टू, ये अपर लिमिट रख दिए तो ये हो गया 0, देन माइनस लोअर लिमिट रखा तो माइनस 60, माइनस 60, देन प्लस अपर लिमिट रख दिया 0, देन माइनस लोअर लिमिट रख दिया तो 200. तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. V इज इक्वल टू 500 माइनस, ये उधर जाके प्लस हो गया, और ये कितना हो गया बेटा,
माइनस माइनस प्लस 60 एंड देन माइनस 200, तो ये हो गया 360 वोल्ट. सो दिस विल बी आंसर. समझ में आ गया भाई? तो अब इसी पे आगे और बढ़ेंगे. यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, दोनों क्वेश्चन हमने यूनिफॉर्म फील्ड का दिया. आगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का करना है वो मैथमेटिकली. उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा. तो पहला टाइप तो आसान होगा, आप लोग कर लोगे. दूसरा टाइप थोड़ा मुश्किल है, उसको हम करेंगे. लेकिन उसके पहले ग्राफ के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं. इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफिकली ड्रॉ कर देगा और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा. ये एक्स वाई एक्सिस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिखा दिया. इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 200 वोल्ट पर मीटर और ये 37 डिग्री दे दिया. अब ओरिजिन पे पोटेंशियल दिया है 500 वोल्ट. हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा बेटा इस पॉइंट पे. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6.6 मीटर, 8 मीटर. यहां पे पोटेंशियल क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. तो वहां पे हमने बताया था उसका अलग तरीका था बेटा, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे हम यहां एक अलग डिफरेंट तरीके से बताएंगे. तो हम करेंगे क्या, यहां पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर ले. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 200 वोल्ट पर मीटर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. यहीं पे हम दिखा दें, ये इस तरीके से दिया हुआ 200 वोल्ट पर मीटर. इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, 200 cos 37. एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 200 cos 37. सो 200 cos 37 और वाई कंपोनेंट क्या हो गया 200 sin 37. 200 sin 37. साइन 37 क्या होता है बेटा, 3/5. तो 3/5 अगर हम करें, 5 से डिवाइड किया 40, यानी 120 वोल्ट पर मीटर ये हो गया. और ये वाला हो गया cos 35, 4/5, cos 37, 4/5, तो 160. ये हो गया 160 वोल्ट पर मीटर. ये लो भाई, अब ये आ गए. अब इसको हम फॉर्मूले से ही करेंगे भाई. सो फॉर्मूला क्या कहता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई को क्या हम लिखेंगे, 160 i कैप प्लस 120 j कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे भाई, डी एक्स i कैप प्लस डी वाई j कैप. डी जेड के कैप लिखोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इज इक्वल टू, अब देखे बेटा तो ये डीवी इज इक्वल टू आया क्या, तो डॉट प्रोडक्ट ले तो ये आ गया -160 डी एक्स -120
डी वाई। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन यहां लगा लिया, फिर यहां इंटीग्रेशन का साइन यहां लगा लिया, यहां इंटीग्रेशन का साइन यहां लगा लिया। करा ओरिजिन पे पोटेंशियल 500 वोल्ट है और हमको वहां पे निकालना, तो ओरिजिन पे यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ये डीएक्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, डीवाई तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, निकालना कहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 8। तो जीरो जीरो पे पोटेंशियल क्या दिया बेटा, 500 वोल्ट, 6.8 मीटर पे पोटेंशियल V सपोज कर ले, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया V माइनस 500 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस 160x और लिमिट पुट कर दे तो 6 माइनस 0 देन माइनस 120y और लिमिट पुट कर दे तो 8 माइनस 0। तो V इज इक्वल टू, इसको उधर लेते गए 500 देन माइनस 160, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 960 देन माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो ये कितना हो गया, ये भी 96 ही हो जाएगा यानी 960, ये 068 ठीक है। सो इज इक्वल टू 500 माइनस ये हो गया 1800 1920 500 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा माइनस 1420 वोल्ट। सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही ग्राफिकली एक और क्वेश्चन बनता है। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया होता है एक्स वाई प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया बेटा, हमको एक ग्राफ दिया है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं, इस साइड में ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखते बेटा क्या है क्वेश्चन। तो ग्राफ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोजीशन के साथ, ये यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट वोल्ट पर मीटर, और यहां पे पोजीशन यूनिट मीटर। ग्राफ हमारा इस टाइप का दिया हुआ है, इस तरीके से ले ले, फिर ऐसे ले ले, ये ले लिया भाई, ये ग्राफ दिया हुआ, ये दिया माइनस 200 और ये दिया हुआ 100। अच्छा भाई, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 मीटर, यहां का 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसे ये दिया हुआ बेटा। अब करा कि पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, 200 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट लेते, पोटेंशियल एट ओरिजिन ले लिए भाई। तुम लोग कहोगे कि बड़ा आसान आसान कैलकुलेशन ले रहे हैं सर, चलो ले लिया। ओरिजिन पे पोटेंशियल दिया है 120 वोल्ट, अब हमको निकालना है पोटेंशियल एट 5 मीटर,
5 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट 5 मीटर, V एट 5 मीटर, V एट 10 मीटर एंड V एट 15 मीटर। इस तीन जगह हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना, ओरिजिन का पोटेंशियल दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन के साथ इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो अब फार्मूला अगर हम देख बेटा, तो ये हो गया डी वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डी एक्स कॉस जीरो ले लेंगे, ये इस तरीके का है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, तो अंडरस्टूड है कि ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अदरवाइज लैंग्वेज में लिखा होगा। सो ये फार्मूला हो गया। अब ये देता क्या है, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन डीवी क्या देगा, इसका इंटीग्रेशन देगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। भाई इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी का एरिया होगा ना, तो हम इस फार्मूले से करेंगे बेटा डीवी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ग्राफ। सो यहां पे ये पॉइंट ले ले, यहां का पोटेंशियल हमको निकालना है, यहां का फाइंड, यहां का गिवन है, यहां का निकालना है, तो डीवी क्या हो जाएगा V5 माइनस V0। V5 पहला क्वेश्चन हम कर रहे बेटा, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V5 माइनस V0 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एरिया ऑफ दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये होगा। सो इट इज हाफ, ट्रायंगल शेप बनाना, तो हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट, ये साइन कंसीडर करना होगा बेटा माइनस 200, ये ध्यान रखना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। यहां निगेटिव है तो वो निगेटिव साइन कंसीडर करना होगा। सो V5 माइनस V0 कितना दिया भाई, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 500, ये आ गया भाई। सो V5 इज इक्वल टू 620 वोल्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहां पे जो पोटेंशियल होगा 620 वोल्ट होगा, अगर हम जो बहुत पहले कहीं किसी क्लास में बताऊं किसी लेक्चर में कि बोर्ड के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया था बेटा, या नीट के हिसाब से फील्ड के अपोजिट चलने में पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो फील्ड यहां निगेटिव है उसके अपोजिट जा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड पार्ट करें, 10 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो 5 मीटर पे हमको पता है, तो ये वाला रीजन ले लें, तो V10 यही फार्मूला हम यही लगा रहे हैं, तो V10 फाइनल पोटेंशियल V10 माइनस इनिशियल पोटेंशियल V5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन 5 मीटर टू 10 मीटर, तो एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन 5 मीटर टू 10 मीटर क्या भाई, जीरो है, और जीरो है तो यहां से क्या आ गया, V10 इज इक्वल टू V5 जो हमने निकाला 620 वोल्ट। अगेन कॉन्सेप्चुअली हम देखें तो बिना सॉल्व के इसको कर सकते थे, किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, तो ये वही होगा। थर्ड पार्ट करते हैं,
हमने पूछा 15 मीटर पे पोटेंशियल, तो हमको 10 मीटर का पता चल गया, 15 मीटर का निकालना, तो V15 इसका इंटीग्रेशन V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो V15 माइनस V इनिशियल यानी V10 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एरिया ऑफ ईएक्स ग्राफ। तो एरिया ऑफ ईएक्स ग्राफ यहां देखिए बेटा रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ कितना है 5 मीटर और ब्रेथ या हाइट जो भी कर लो वो कितना है 100 प्लस 100 है, ये हो गया। तो V15 माइनस 10 मीटर पे क्या है 620 इज इक्वल टू माइनस 500, ये आ गया। तो V15 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, V15 इज इक्वल टू 620 माइनस 500 वोल्ट, तो ये आ गया 120 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, ये यहां का आंसर हो गया 120 वोल्ट, यानी जो ओरिजिन पे वोल्टेज था वही आ गया। क्यों ऐसा आ गया बेटा, इस रीजन में वोल्टेज बढ़ा, इस रीजन में कांस्टेंट रहा, इस रीजन में फिर घट गया, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन प्लस एक्स है, तो हम फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो ये हो गया भाई, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते बेटा थोड़ा सा, अब मामला सीरियस हो जाएगा, अब थोड़ा कठिन क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे। मामला सीरियस इसलिए बोला बेटा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो उस केस में कैसे करेंगे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल यानी केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, दूसरा दो कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 10x वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग भाई, अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, करें कि वी इज इक्वल टू 0 वोल्ट एट 10 मीटर कॉमा 20 मीटर, फाइंड वी एट ओरिजिन पे वी निकाला, वी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वोल्टेज क्या होगा ये निकालना। तो कैसे करेंगे, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर सो इज इक्वल टू माइनस ई दिया हुआ है 10x आई का, सो 10x आई कैप डॉट डी आर को हम लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, लेकिन बाकी लिखने का कोई जरूरत नहीं बेटा क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा, तो हम यहीं तक लिख रहे हैं, बाकी कोऑर्डिनेट इसमें है ही नहीं है। तो ये हो गया 10x dx, यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन माइनस साइन यहां दिखा देते हैं, दिया हुआ कि वोल्टेज इज 0 एट 10, 20, तो 20 तो वाई कोऑर्डिनेट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स कोऑर्डिनेट 10 दिया हुआ, तो 10 पे वोल्टेज कितना है 0 है,
हमको निकालना ओरिजिन यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, वहां वोल्टेज क्या होगा वी मान ले, तो ये हो गया वी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, लिमिट टेन टू जीरो, सो वी इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट किया तो जीरो आ गया, देन माइनस, देन लोअर लिमिट पुट किया तो ये हंड्रेड हो गया माइनस फाइव हंड्रेड, सो V इज इक्वल टू 500 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहले क्वेश्चन नोट करिए भाई, सो E इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रहे बेटा, E इज इक्वल टू, दो कोऑर्डिनेट पे इसको डिपेंड करा देते, A x i कैप प्लस y j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, फाइंड वोल्टेज एट, या फिर ऐसे लिख लीजिए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, फाइंड वोल्टेज एट एक्स कॉमा वाई, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है और चार एक्सप्रेशन दिए रहेंगे तो उसमें से एक चूज करना रहता है, तो यहां पे डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस, ई को क्या लिखेंगे भाई, ई दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी आर को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इज इक्वल टू माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस ए वाई डी वाई, इसी को इंटीग्रेट कर दे। अच्छा जो चार ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से हम दे रहे बेटा, इसमें लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया, वी का एक्सप्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका इन डिफिनिट इंटीग्रेशन कर दे, क्या कर दे भाई इन डिफिनिट इंटीग्रेशन कर दे, तो ये होगा v इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ए वाई स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा कंडीशन पे, या तो ओरिजिन का वोल्टेज दिया हो, या तो इन्फिनिटी का दिया हो, या तो और कहीं का दिया होगा, एक वोल्टेज दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, सो क्वेश्चन नंबर सेवन लिखिए, E इज इक्वल टू, अब अभी जो क्वेश्चन किया बेटा उसे में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा ये निकालना है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं डीवी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे भाई, E दिया हुआ हमारा ए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई
जे कै। अब डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो गया बेटा, डीवी इज इक्वल टू, यहां पे माइनस साइन लगेगा, माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई। पिछले क्वेश्चन से देखिए तो ये एक्सप्रेशन चेंज कर गया होगा, पिछले क्वेश्चन में आया था माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस ए वाई डी वाई, तो उसका इंटीग्रेशन आसान था। अब ये वाई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हुआ, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है और वो ट्रिक हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी एडवांस्ड में आ चुका है, तो इस टाइप के और हम प्रॉब्लम एक दो डिस्कस करेंगे, करें कैसे इसको, फर्दर हम कैसे सॉल्व करें। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इसको समझाने के लिए, सपोज करिए z इज इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ, z इज इक्वल टू क्या भाई, एक्स वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो डी जेड इज इक्वल टू, फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब हम उल्टा चलते हैं क्योंकि हमारे पास माइनस कॉमन ले ले तो ये यही एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, इसमें से अगर हम माइनस ए कॉमन ले ले बेटा, माइनस ए कॉमन ले लिया तो देखो ये आ गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से हम देखें तो इसको हमने ये लिखा तो इसको इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहां से भी तो जा सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए डी एक्स वाई डी वी इज इक्वल टू। अब इसी का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर ले क्योंकि कोई लिमिट वगैरह नहीं दिया है, कंडीशन नहीं दिया है, तो ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई प्लस सी, सो दिस विल बी आंसर। ये नहीं कि इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया एक्स वाई, इसका एक्स वाई और माइनस टू ए एक्स वाई, 99% स्टूडेंट यही करते हैं, वो ऐसे इंटीग्रेशन नहीं हो बेटा, इसका ये इंटीग्रेशन लिया हमने, डिटेल में समझा दिया, ये ऑलरेडी आईआईटी एडवांस्ड में आ चुका है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और हम कर लेते लिमिट वाला, यानी जिसमें कंडीशंस दिया हो। सो क्वेश्चन नंबर एट ये दिया है भाई दो वेरिएबल में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में हमने किया है, E इज इक्वल टू 6x² i - 8y³ j³ वोल्ट पर मीटर में ये दिया हुआ, यूनिट क्या भाई, वोल्ट पर मीटर। अब कह रहा है इफ वोल्टेज एट ओरिजिन, यानी इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन 0,0, क्योंकि दो वेरिएबल इसलिए दो कोऑर्डिनेट हमने ले लिए, इज इक्वल टू 1500 वोल्ट, फाइंड वी एट 10m, 5m, यहां पे हमको पोटेंशियल वी फाइंड आउट करना इस पॉइंट पे। सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, कितना दिया हुआ भाई, 6x² i² देन माइनस
8y³j कैप डॉट dr को क्या लिखेंगे, dxi कैप प्लस dy j कैप। तो ये हो गया -6x² dx माइनस माइनस प्लस 8y³ dy। इसको अब हम इंटीग्रेट कर ले बेटा, लिमिट्स दी हुई है तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 0, 0 एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो पोटेंशियल दिया हुआ 1500 वोल्ट। पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट जब 10 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो पोटेंशियल क्या होगा, वी मान ले, तो ये हो गया वी माइनस 1500 इज इक्वल टू माइनस x³/3, तो कट गया माइनस टू एक्स क्यूब। लिमिट क्या हो गया भाई, 0 to 10। देन प्लस इसका इंटीग्रेशन y⁴/4, यानी 2y⁴। लिमिट क्या हो गया बच्चों, 0 to 5। सो इज इक्वल टू, इसको पुट करें, पहले 10 पुट कर दे तो ये 1000 - 2000, देन माइनस 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसका लिमिट पुट करें तो ये हो गया 5⁴, यानी 25 × 25 625, 1250 माइनस 0। सो इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये उधर चला गया 1500 - 2000 प्लस 1250, ये हो गया -500, तो ये आ गया 750 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब अभी हमने बताया कठिन क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा 7 दिया था, तो 7 वाला टफ था थोड़ा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं फिर आज का क्लास ओवर करते बेटे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 2AXY आई कैप देन प्लस AX²-Y²j कैप। फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर वी, किसी पॉइंट x, y पे वी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया भाई एक्सप्रेशन, 2AXY i कैप प्लस AX²-Y²j कैप। फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, तो e को हम लिख देते हैं, e दिया हुआ है 2AXY i कैप देन प्लस AX²-Y²j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। dy j कैप
डॉट प्रोडक्ट लेते भाई, तो इसका इसके साथ हो गया, ये आ गया माइनस टू ए एक्स वाई डी एक्स, देन फिर इस एक्सप्रेशन का इसके साथ, ये माइनस माइनस ठीक, इसका हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, क्लियर बच्चों। अब इसको लिखें तो ये हो गया माइनस टू ए एक्स वाई डी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस माइनस प्लस ए वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये तो टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा, ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा भाई जैसे डिफरेंशिएशन में सोचते हो कि इसको कांस्टेंट ले लिया और वेरिएबल लेके कर दिया, या इसको कांस्टेंट ले लिया फिर इंटीग्रेट कर दिया, ये वैसे नहीं होगा। इसको अब हम करेंगे कैसे, तो जो अभी हमने डिस्कस किया था एक z इज इक्वल टू एक्स वाई वाला, एकदम वैसे इसको करना है। इसको हम लिख कह सकते हैं माइनस ए कॉमन आ गया बेटा, माइनस ए कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2xy dx, और यहां पे x स्क्वायर dy, तो ये हो गया d x स्क्वायर y। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें बेटा, तो पहले x स्क्वायर y को कांस्टेंट ले लिया, x स्क्वायर का किया तो 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई माइनस से ये आ गया, देन एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया वाई को किया तो एक्स स्क्वायर डी वाई करेक्ट है ये, प्लस ए वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी वी। अब इंटीग्रेट हो जाएगा बेटा, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, ये आ गया भाई ये ए कांस्टेंट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करना तो वी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस ए वाई क्यूब बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर होगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं, इनका और भी बुक्स से क्वेश्चन खोज के प्रैक्टिस करेगा, वैसे ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही कम रेयर बुक में मिलेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो केवल एक्स सिंगल वेरिएबल था या डबल वेरिएबल एक्स वाई, अब एक जेड का भी ले लेते हैं, क्योंकि तुम लोग कहोगे सर तीन वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल है तीन वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखिए, ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ए वाई आई कैप, ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप, देन प्लस बी वाई के कैप, प्लस बी वाई के कैप, ये दिया हुआ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, ये निकालना भाई। कंडीशन नहीं दिया है यानी लिमिट नहीं दिया है, तो फिर हम जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, लिमिट दिया होता किसी एक पोजीशन का वोल्टेज दिया होता दूसरे का निकल जाता, तो हम क्या लिखेंगे बेटा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई, ई कितना दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं, ए वाई आई कर, ए वाई आई कर प्लस ए एक्स प्लस बी जेड,
ए एक्स प्लस बी जेड, ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप, बी वाई के कैप, ये तो हो गया हमारा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट। क्वेश्चन ये हटा देते बेटा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे तो डी आर डिपेंड करता है, तो डी आर को हम क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हो गया भाई तीन वेरिएबल का प्रॉब्लम। डॉट प्रोडक्ट ले ले तो ये क्या हो गया, माइनस ए वाई डी एक्स आई का आई के साथ, फिर प्लस ए एक्स प्लस बी जेड डी वाई प्लस बी वाई डी जेड। तो ये हो गया बेटा, ये माइनस सब में आएगा, माइनस यहां से हम यहां तक लगा दे रहे हैं। अब थोड़ा रिकॉम्बिनेशन कर ले, माइनस ए वाई डी एक्स प्लस ए एक्स डी वाई देन माइनस, ये हो गया बी वाई बी जेड डी वाई प्लस बी वाई डी जेड। यहां पे ए कॉमन हो गया तो माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यहां पे ए कॉमन लिया था ना माइनस ए, यहां पे बी कॉमन ले लिया तो ये हो गया जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड। अब ऐसा हमने किया क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे दिख रहा है, देखो ए इसको लिख सकते डी एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट इसको ओपन करेंगे यही आएगा, माइनस बी डी वाई जेड इसको ओपन कर दो वही आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, तो यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, इन डिफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट नहीं पुट करेंगे, सो वी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई जेड। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसमें माइनस वाई कॉमन आ गया भाई, तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी जेड, सो दिस इज द आंसर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना यहां पे, तो प्लस सी लिख देते हैं, यहां भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख देते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। आज का क्लास कैसा लगा बेटा ये जरूर कमेंट करना तुम लोग, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। ये क्वेश्चंस जो दो फार्मूले हमने डिस्कस किए, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर एंड ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस खूब करना। सो लेट अस मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न, till then do hard labor and be blessed. So we will meet again on next class, till then sayonara, godspeed and bon voyage.